हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। पिछले वीडियो में आप लोगों का सपोर्ट और प्यार देख के मुझ में भी कुछ उम्मीद जगी है कि मैं आपको ब्लॉगिंग सिखा सकता हूं। मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरुआत से करूंगा। कुछ भाई लोग मुझे यही बोले कि लंबा वीडियो बनाने के लिए, अगर आप सभी ने सतीश भाई का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे पास अभी इतना स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बहुत स्लो है कनेक्शन, तो मैं इतना लंबा वीडियो बना के उसको अपलोड नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आप कुछ प्रोफेशनल स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप कोई भी बिजनेस पकड़ लो, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस नहीं होता। इसी तरह ब्लॉगिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है और उसके लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है अभी इन्वेस्ट करने के लिए, आप कैसे इसको शुरू कर सकते हो। लेकिन बाद में आपको इन्वेस्ट जरूर करना होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो बात करते हैं, पहली बात जो मैं पिछले वीडियो बताया था वो है राइटिंग का। अब अगर आपको लिखना पसंद है तो आप खुद के लिए लिख सकते हो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप एक प्रोफेशनल राइटर हो, लेकिन आपका जो स्किल है, अगर आपको लिखना पसंद है तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अब फिर भी अगर आपको लिखना पसंद नहीं है और आपके पास पैसा है तो आप कोई हिंदी या फिर कोई इंग्लिश राइटर को हायर कर सकते हो, जो आपके लिए आपको लिख के देगा और उसे आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हो। जो दूसरी बात हो गया, लिखने के लिए आपको एक मशीन चाहिए, एक गैजेट, एक डिवाइस। वो क्या हो सकता है? वो आपका स्मार्टफोन हो गया या टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया या फिर आपका लैपटॉप हो गया। पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से काम करो, क्योंकि उसमें मैच करना ज़्यादा आसान होता है। आप आसानी से उसमें लिख सकते हो, चीज़ों को मैच कर सकते हो। जो ऑनलाइन बहुत सारे टूल है या फिर जहाँ पर आप लिखते हो तो आसान होता है, मोबाइल में टाइप करना आसान नहीं होता। तो अगर फिर भी आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप पैसा अभी खरीद नहीं सकते लैपटॉप, और स्मार्टफोन है और उसमें मैच करना चाहते हो, तो आप मुझे इसे कमेंट करो। अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। फिर भी अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके दोस्त के पास कैसे लैपटॉप है तो उससे मांग के आप शुरू कर सकते हो। तीसरा जो चीज़ है वो है डोमेन। डोमेन क्या है? आपकी ब्लॉग का एड्रेस, जैसे हो गया facebook.com, google.com, ये सब हो गया एक एक डोमेन नेम। आपको भी आपके ब्लॉग के लिए एक डोमेन नेम चूज करना होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि डोमेन का कॉस्ट 500, 600, 700 पड़ता है, कुछ कुछ ऑफर भी चलता है तो 200-300 मिल जाता है, तो फिर भी आपको एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, छोटा सा इन्वेस्ट है आपको करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप डोमेन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप फ्री ब्लॉग पर जा सकते हो। कुछ लोगों का मुझे कमेंट भी आया था कि क्या हम फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं बिना डोमेन लिए। हाँ, आप कर सकते हो, और उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप मतलब एक डोमेन लेके या फिर बिना डोमेन के कैसे वीडियो बना सकते हो। ये हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, अभी के लिए नहीं। तो डोमेन नेम जरूरी है, क्योंकि आपके बिजनेस को, आपका जो ब्लॉगिंग के जर्नी को एक पहचान देता है। लोग आपको आपके डोमेन के नाम से जानते हैं, जैसे हमारा हो गया hinway.net, ये हमारा डोमेन नेम है। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, मतलब अभी नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। जो चौथी बात है वो है होस्टिंग। अगर आप वर्डप्रेस पे शुरुआत करते हो, ब्लॉगिंग के लिए दो प्लेटफॉर्म है, पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, एक है ब्लॉग गूगल का ब्लॉगर और दूसरा है वर्डप्रेस। उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर ये सब इसमें इंक्लूड कर दिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इसको अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतना डाटा भी नहीं है। तो अगर आपको वर्डप्रेस पर काम करना है, जो कि मेंस करने के लिए बहुत आसान है, हमारा जो ब्लॉग है hinway.net वो भी वर्डप्रेस बनाया गया है, तो उसके लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत है। और होस्टिंग के ऊपर मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगा, आपको कैसा होस्टिंग चाहिए, मतलब किस तरह आपको इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस, ये सब वगैरह वगैरह। फिर भी अगर आप डोमेन खरीद सकते हो लेकिन होस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि होस्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर आप होस्टिंग नहीं कर सकते तो आप ब्लॉगस्पॉट पर काम कर सकते हो। मैं ब्लॉगस्पॉट ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, फिर भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसमें से आप शुरुआत कर सकते हो। आप ब्लॉगस्पॉट में एक डोमेन डाल के उसमें शुरुआत कर सकते हो। उसमें बस आपको डोमेन का कॉस्ट पड़ेगा जितना भी 300-400 रुपये जितना पड़ा।
आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो ये चार चीज़ आपके लिए होना जरूरी है। पहला है आपका राइटिंग स्किल, या फिर आप राइटर हायर कर सकते हो, मतलब आपको लिखना पसंद होना चाहिए। दूसरा चीज़ है लिखने के लिए एक डिवाइस, मैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर रिकमेंड करता हूँ। अगर आपका स्मार्टफोन है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं स्किप करके डोमेन पर चला जाऊंगा। तीसरा चीज़ है डोमेन, आपको डोमेन नेम चाहिए आपकी ब्रांडिंग के लिए। और चौथा है होस्टिंग। ये चारों चीज़ जरूरी है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि एक ब्लॉग बनाने के लिए बेसिक क्या चीज़ ज़रूरत है। हाँ, और एक चीज़ भूल गया मैं, वो है इंटरनेट कनेक्शन। बिना इंटरनेट कनेक्शन के नहीं हो सकता, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। मेरा अभी इतना अच्छा इंटरनेट नहीं है, मेरा ब्रॉडबैंड जो है वो 3 महीने से कट गया है, फिर भी मुझसे जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों का प्यार और कमेंट्स देख के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाता, इसलिए मैं जितना कम हो सके इतना शूटिंग करता हूँ। तो आज का ये सवाल है कि क्या आपके पास एक लैपटॉप है, हाँ या ना। अगर ज़्यादा लोगों का ना आया, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो कमेंट करिए, और एक वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा हौसला मिलता है वीडियो बनाने के लिए। जितना ज़्यादा लाइक करोगे मैं उतना जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपके पास एक लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से कैसे आप लॉगिन कर सकते हो। अगर ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप है, या फिर दोस्तों के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेहतर है, मोबाइल में बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये स्किप करके नेक्स्ट टॉपिक करूँगा कि आपको किस तरह का डोमेन चाहिए, आप डोमेन कहाँ से खरीद सकते हो, आप जिस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहते हो उसके लिए कौन सा डोमेन बेस्ट रहेगा। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन को दबा के एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।